Instagram's co-founders are leaving the Vince social media Trump network. Vince Trump was not over at Instagram. He their marketing. To Facebook for $1 million. मान लेते हैं कि ये $1 million है. $10 million कुछ ऐसा दिखेगा. $100 million कुछ ऐसा दिखेगा. और $1 billion कुछ ऐसा दिखेगा. एक कंफ्यूजिंग सा मोबाइल ऐप जिसका नाम विस्की के एक ब्रांड बर्बन पे रखा गया, उसकी अकेले की वैल्यू आज इस नंबर से 33 गुना ज्यादा की है. इंस्टाग्राम का मार्क जुकरबर्ग से बहुत ही गहरा और पुराना रिश्ता है. इंस्टाग्राम की कहानी मार्क से ही शुरू होके इन पे ही खत्म होती है. न्यू फेस फिल्टर्स ऑन इंस्टाग्राम टुडे. जब फेसबुक सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कॉलेज कैंपसेस के लिए ही अवेलेबल था, मार्क ने केविन सिस्ट्रॉम नाम के एक लड़के को जॉब ऑफर किया और मार्क चाहते थे कि केविन एक फोटो शेयरिंग फीचर डेवलप करे फेसबुक के लिए. केविन पहले तो बहुत खुश हुए पर उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि केविन के एक मेंटोर ने सजेस्ट किया कि फेसबुक बस एक नए फैशन की तरह है जो कि लंबा तो बिल्कुल नहीं टिकने वाला. इसके कुछ वक्त बाद केविन इटली जाके अपने पैशन फोटोग्राफी को और अच्छे से परस्यू करना शुरू करते हैं, उसके बारे में प्रोफेशनली पढ़ाई करना शुरू करते हैं और इस कोर्स में केविन को कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो बाद में इंस्टाग्राम के जन्म में अहम भूमिका निभाते हैं. पर जब केविन इटली से वापस लौटते हैं, उन्हें ऑडियो नाम के एक टेक कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, वही कंपनी जिसे आज हम सब ट्विटर के नाम से जानते हैं. वहां उनकी दोस्ती जैक डॉर्सी से हुई. जैक उन्हें बताते हैं कि ट्विटर बहुत जल्द बहुत बड़ा बनने वाला है, पर केविन को इतना ज्यादा कुछ पोटेंशियल नहीं दिखता और कुछ ही समय बाद वो इस कंपनी को भी छोड़ देते हैं. शायद केविन को उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ पर उन्होंने दो बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरी कंपनीज के शुरुआती दौर में उनके साथ काम करने का मौका छोड़ दिया, जिसका मतलब उन्होंने बड़े सोशल मीडिया जायंट्स के साथ काम करके अमीर बनने के और ढेर सारे पैसे कमाने के दो बेहतरीन मौके गवा दिए थे. पर कोई बात नहीं, Nobody knew that he was about to establish his own kingdom. Kevin ने मोबाइल ऐप बिल्ड करने का एक नया स्किल सीखना शुरू किया और सिर्फ एक साल के अंदर एक ऐप बना डाली जिसका नाम केविन ने अपने फेवरेट विस्की के नाम पे रखा, बर्बन. वैसे उस ऐप का विस्की के साथ कोई लेना देना नहीं था. लोग कहाँ हैं, कहाँ जाने वाले हैं, एक ऐसा ऐप जो लोग एज अ चेक इन यूज कर पाए, अपनी और उन जगह की पिक्चर्स पोस्ट कर पाए जहाँ वो घूमने जाते हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ वर्चुअल प्राइजेस भी मिलते थे. जितनी ज़्यादा बार कोई बाहर घूमने गया, जितनी ज़्यादा उसने पोस्टिंग करी, उतने ज़्यादा वर्चुअल प्राइजेस मिलते थे. इनिशियली ये फीचर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे और यूजर्स को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाए. बर्बन अलग अलग कन्फ्यूजिंग फीचर्स, भद्दा सा ब्राउन और रेड डिज़ाइन और एक सस्ता सा दिखने वाला मोबाइल वेबसाइट जो सही तरीके से फंक्शन भी ना कर पाए, इन सब का एक अजीब सा मिश्रण था. बर्बन को क्रिएट करने के बाद एक दिन केविन एक पार्टी में जाते हैं जहां वो बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलते हैं और वहीं पे केविन एक इन्वेस्टर को अपने ऐप में $50,000 इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं. ये खबर जब फैलती है तो एक और इन्वेस्टमेंट कंपनी इस ऐप में इंटरेस्ट लेती है और $250,000 इन्वेस्ट करती है, जिसको देख के पुराने इन्वेस्टर भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के $2.5 लाख ही कर देते हैं. देखते ही देखते केविन के बिल्कुल नई कंपनी के अंदर लगभग $500,000 यानी कि तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ जाती है. हाँ, ये थोड़ा अजीब है पर उस वक्त सिलिकॉन वैली में यही हो रहा था. इन्वेस्टर्स वर जस्ट थ्रोइंग मनी एट न्यू टेक कंपनीज एंड टेकिंग अ चांस बिकॉज उन्हें ये बात पता थी कि अगर कोई एक कंपनी भी ग्रो कर गई तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए जा सकते हैं. एनीवेज, अब चूंकि केविन के पास बिजनेस बड़ा करने के लिए ढेर सारे पैसे आ गए थे, उसने एक को फाउंडर की तलाश शुरू की और बर्बन के ही शुरुआती कुछ यूजर्स में से एक यूजर माइक क्रीजर, जिसे केविन स्टैनफोर्ड के टाइम से जानते थे, उसे रिक्रूट कर लिया. अब केविन के पास एक बिजनेस पार्टनर भी थे और फंडिंग भी थी, पर इसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी. बर्बन वॉज नॉट एट ऑल पॉपुलर. बर्बन के बारे में लोग जानते ही नहीं थे. हार्डली सिर्फ 100 यूजर्स के साथ बर्बन फंडिंग उठा चुकी थी और अब ग्रोथ का स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा था. केविन बर्बन के एक्टिव यूजर से बात करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस ऐप के बारे में सबसे ज्यादा पसंद क्या आया. पता लगा कि चेक इन फीचर या फिर वर्चुअल प्राइजेस से किसी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था. हाँ, पर फोटो शेयरिंग फीचर सबको बहुत पसंद आ रहा था. सबके फीडबैक्स लेने के बाद केविन खुद से ये सवाल करते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो हम एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं. काफी सोचने पे केविन को ये बात समझ आई कि फोटो ऐप्स तो बहुत सारे हैं पर फोटो शेयर करने की कम्युनिटी ऐप कोई भी नहीं है जिसके थ्रू इंसान बस फोटो पोस्ट करे और उसके सारे फ्रेंड्स के साथ वो फोटो एक ही बार में शेयर हो जाए. अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है. केविन अपने को-फाउंडर से डिस्कस करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है हमें बर्बन को रीबिल्ड करना चाहिए. सारे कंफ्यूजिंग फीचर्स को हटा के हमें एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए और वो है फोटोज. को-फाउंडर बिल्कुल नया था और उसे थोड़ी नर्वसनेस भी हुई कि अभी अभी तो मैं आया हूँ और तुरंत ही सब कुछ बदल देने की बात हो रही है. उसने बर्बन में काम करने के लिए अपनी पुरानी जॉब भी छोड़ दी थी और अब उसे डाउट होने लगा कि क्या ये स्टेप लेना उसकी गलती तो नहीं थी. पर केविन अपनी बात पे अड़े रहे और उन्होंने बर्बन को रीब्रांड किया बाय द नेम ऑफ इंस्टाग्राम.
ये शब्द दो शब्दों को कंबाइन करके बनाया गया था, इंस्टेंट और टेलीग्राम। इंस्टाग्राम का पहला प्रोटोटाइप बनाने के बाद केविन इस ऐप के पोटेंशियल को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो इसे अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो कहती है कि शायद वो इस ऐप को यूज नहीं करेगी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी फोटोज उसके दोस्तों के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं होती। केविन बताते हैं कि उसके दोस्तों की फोटोज इतनी अच्छी इसलिए दिखती है क्योंकि वो लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो केविन की गर्लफ्रेंड सजेस्ट करती है कि अगर फिल्टर यूज करने से फोटोज इतनी बढ़िया हो जाती है तो फिर ये फिल्टर्स को तो तुम्हें अपनी ऐप में भी जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बस इस एक सिंपल से स्टेटमेंट ने इंस्टाग्राम की तकदीर लिख दी। ध्यान से सोचने पे केविन को ये बात समझ आती है कि बहुत सारे फिल्टर्स ऐप मार्केट में मौजूद तो हैं, पर वो सिर्फ फोटोज एडिटिंग के काम ही आ रहे हैं। उनके पास फोटोज को कम्युनिटी के साथ शेयर करने का फीचर नहीं है और वो ऐसा कोई फीचर डेवलप भी नहीं कर रहे, इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, जिससे बाकी सोशल मीडिया पे उन एडिटेड फोटोज को इजीली पोस्ट किया जा सके। अब इंस्टाग्राम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था। केविन का फोटोग्राफी एक्सपीरियंस यहाँ बहुत काम आया। उन्होंने फोटोशॉप यूज करके बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स तैयार कर दिए जो लोग अपनी पिक्चर्स पे ऐड करके उन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा प्रोफेशनल लुक दे पाए। केविन और उसके को फाउंडर ने लगातार लगभग 8 हफ्तों तक इस ऐप पे काम किया और फाइनली पब्लिक के लिए 6 अक्टूबर 2010 के दिन इंस्टाग्राम का जन्म हुआ। और केविन के सपने में भी वो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। अक्सर ये देखा गया है कि बिजनेस लॉन्च के शुरुआती दिनों में मार्केट रिस्पॉन्स थोड़ा ठंडा ही रहता है, कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। पर इंस्टाग्राम में कुछ अलग ही बात थी। ऐप स्टोर पे लॉन्च होने के पहले ही दिन इंस्टाग्राम पे 25,000 यूजर्स आ चुके थे और सिर्फ एक महीने के अंदर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स। इतनी तेज रफ्तार के पीछे बहुत सारे सपोर्टिव रीजंस थे, जैसे कि फर्स्टली इंस्टाग्राम ने लोगों के लिए अपनी एडिटेड फिल्टर्ड फोटो को फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ शेयर करना काफी आसान बना दिया था। और जब जब लोग फोटोज को बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे इंस्टाग्राम के थ्रू पोस्ट करते थे तो उनके फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के बीच भी इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस होता रहा और हर एक इंसान की धीरे धीरे चाहत बनने लगी कि वो भी अपनी जबरदस्ती फोटो पोस्ट करे, वो भी थोड़े कूल दिखे, वो भी थोड़े क्लासी दिखे। कोई भी नए ट्रेंड को मिस नहीं करना चाहता था एंड इंस्टाग्राम बिकेम सुपर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग फोमो अमंगस्ट पीपल। सेकेंडली इंस्टाग्राम की लॉन्चिंग की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी, बस थोड़े टाइम पहले ही आईफोन 4 लॉन्च हुआ था बिल्कुल नए एंड इम्प्रूव्ड कैमरे के साथ और ये इंस्टाग्राम की ग्रोथ के लिए सोने पे सुहागा बन गया। उस वक्त हर इंसान अपने स्मार्टफोन को ज्यादा यूज करने लगा था, फोन एडिक्शन एरा की बस शुरुआत हुई थी और केविन के स्मार्ट डिसीजन की वजह से इंस्टाग्राम वॉज द बेस्ट मोबाइल फोटोग्राफी ऐप अवेलेबल बैक देन। नाइस जॉब टीम। देखते ही देखते इंस्टाग्राम वायरल हो चुका था। केविन वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस जे कर्व ग्रोथ सो फास्ट। तो आए दिन इंस्टाग्राम के सर्वर्स क्रैश होते रहे, इंस्टाग्राम बार बार डाउन होने लगा, केविन का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता चला गया। प्रॉब्लम्स और भी बढ़ने लगी जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इंस्टाग्राम ज्वाइन करना शुरू किया। शुरुआती कुछ सेलिब्रिटीज में एक जस्टिन बीबर भी थे और जब जब सेलिब्रिटीज कुछ पोस्ट किया करते थे नए डाउनलोड्स की बाढ़ आनी शुरू हो जाती थी, सर्वर्स फिर से ओवरलोड होते और फिर से इंस्टाग्राम बंद। जितनी ज्यादा पोस्टिंग होनी शुरू हुई उतनी ही परेशानियां और बढ़ने लगी, जैसे कि हैरासमेंट और अब्यूज को कैसे कंट्रोल किया जाए, साइबर बुली को कैसे रोका जाए। इंस्टाग्राम अब 20 लाख यूजर्स को एक्वायर कर चुका था पर टीम सिर्फ 4 लोगों की थी जिसमें 2 तो को-फाउंडर्स ही थे, केविन और माइक, और ये सब एक छोटे से कमरे से ही सारी चीजें सारा तामझाम ऑपरेट कर रहे थे। ग्रोथ सच में बहुत जबरदस्त थी, केविन को टीम बढ़ानी ही पड़ी और 2012 तक वो 4 लोगों की टीम अब 13 लोगों में तब्दील हो चुकी थी। पर इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये टीम साइज अभी भी बहुत छोटा था। केविन की पर्सनल लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी, एक अल्ट्रा पॉपुलर ऐप के सीईओ होने के नाते वो काफी हद तक सेलिब्रिटी कल्चर में भी डूबने लगे थे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम ज्वाइन करने से इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही थी पर केविन हमेशा इस बात पे फोकस रहते थे कि सेलिब्रिटीज अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक और रिलेटेबल रखें। ये समीर है, ये कौन है? इंस्टाग्राम को सिर्फ अपने प्रमोशंस और मार्केटिंग के लिए यूज ना करें। इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस में भी ये मेंशन किया गया कि व्हेन यू एंगेज इन सेल्फ प्रमोशनल बिहेवियर ऑफ एनी काइंड ऑन इंस्टाग्राम इट मेक्स पीपल हु हैव शेयर्ड दैट मोमेंट विद यू फील सैड इनसाइड। लोगों को समझ आने लगा था कि इंस्टाग्राम के अपने ऑडियंस को वो आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं, पर केविन का इंटेंशन शुरुआत से ही एक ऐसा क्रिएटिव स्पेस बनाने का था जो कि फोटोग्राफी और आर्ट के साथ जुड़ा रहे। पर धीरे धीरे इंस्टाग्राम एक मार्केट प्लेस में बदलना शुरू हुआ क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ने लोगों को पैसे देने शुरू किए और बदले में अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करने को कहा। और शुरुआत में ये भी एक प्रॉब्लम थी कि लोग ये डिस्क्लोज करते ही नहीं थे कि उन्हें एक ब्रांड कोलैबोरेशन मिली और ये एक पेड प्रमोशन है, और इस वजह से फॉलोअर्स को लगता था कि ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है एंड हम जिन्हें एडमायर करते हैं फॉलो करते हैं उन पर ट्रस्ट तो होता ही है। तो इस बात का फायदा कुछ बड़े सेलिब्रिटीज ने उठाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में इंस्टाग्राम किसी भी तरह के एल्गोरिदम का यूज भी नहीं करता था क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग सारा सिस्टम समझ जाएंगे।
इसीलिए शुरुआत में इंस्टाग्राम की टीम खुद से अकाउंट्स और पोस्ट को रेगुलेट करती थी और डिसाइड करती थी कि क्या वायरल जाएगा और क्या नहीं। इंस्टाग्राम की टीम के हाथों में ही कंट्रोल था इस चीज का कि कौन फेमस बनेगा और कौन नहीं, और वो अपने पर्सनल पसंद और नापसंद की बदौलत इंस्टाग्राम के पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर सकते थे। देखा जाए तो इंस्टाग्राम की टीम एक तरह से भगवान की शक्तियां लेके बैठी थी, जब चाहे जिसे चाहे फेमस और अमीर बनाने की ताकत थी उनके पास। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग तो इंस्टाग्राम की बदौलत अमीर बन रहे थे, पर इंस्टाग्राम के पास शुरुआती कुछ सालों तक खुद के लिए पैसा कमाने का कोई भी तरीका नहीं था, क्योंकि इंस्टाग्राम ने कोई भी एड सिस्टम डेवलप नहीं किया था और अभी तक सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों पर डिपेंडेंट होकर चल रही थी। पर अचानक से एक दिन पता चलता है कि ट्विटर इंस्टाग्राम को खरीदना चाहता है। इंस्टाग्राम कोई पैसा कमाए चाहे ना कमाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पैक्ट तो क्रिएट कर ही चुका था। ट्विटर के सीईओ केविन को डिनर पे इनवाइट करते हैं और बताते हैं कि ट्विटर इंस्टाग्राम को एक्वायर करना चाहता है, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि केविन के दिमाग में क्या चल रहा है। केविन के अगले मूव्स को देख के ट्विटर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेल, हम इंस्टाग्राम की स्टोरी जान रहे हैं तो थोड़ी बात इंस्टाग्राम के पोटेंशियल और उसे समझदारी से यूज करके कितना पैसा कमाया जा सकता है थोड़ी बात इसकी भी कर लेते हैं। इंटरनेट कहता है कि क्रिश्चियानो रोनाल्डो सॉकर से इतना पैसा नहीं कमाते जितना पैसा इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक पोस्ट करने का कमा लेते हैं। 16 करोड़ की कीमत चार्ज करते हैं सिर्फ एक पोस्ट डालने का। काइली जेनर ने इंस्टाग्राम की बदौलत अपनी कंपनी को 7000 करोड़ से ज्यादा बड़ा कर दिया। लियो मेसी सिर्फ एक पोस्ट डालने का 12 करोड़ चार्ज करते हैं। इंटरनेट की माने तो जो लोग सिर्फ 5000 से 10000 फॉलोअर बेस रखते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर जिन्हें कह सकते हैं हम लोग, वो भी एक पोस्ट डालने का लगभग 6000 तक चार्ज कर लेते हैं। जिनकी फॉलोअर बेस 50000 से 1 लाख होता है वो एक पोस्ट डालने का लगभग 14000 चार्ज करते हैं, और जिनके पास 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर बेस होता है वो एक रील डालने का 50000 से ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन, इंस्टाग्राम आज के टाइम पे सिर्फ एक सोशल मीडिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। मैं पिछले 1.5 साल में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को 500 से लगभग 1,70,000 से ऊपर लेके आया। बहुत सारी रील्स वायरल हुई, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन सब देखा, और अकाउंट रीच ऐसा दिखने से ऐसा दिखने तक का सफर तय किया, और अकाउंट ग्रो करने की वजह से इंस्टाग्राम से ही अच्छा खासा पैसा भी कमाया। इस पूरे एक्सपीरियंस को एक जगह एक्यूमुलेट करके एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है मैंने, जिसमें आप एक एक चीज सीख पाएंगे कि कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को स्क्रैच से बिल्ड किया जा सकता है और इसे मोनेटाइज करके अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, कॉन्टेंट कैसे बनाना है, किस किस तरह के कॉन्टेंट होते हैं, प्रोफेशनल दिखने वाला अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है इंस्टाग्राम पे, पर्सनल ब्रांड कैसे बनेगा और रील्स कैसे वायरल होंगे, व्यूज कैसे आएंगे, एक एक चीज सीखने को मिलने वाला है आपको इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स और क्या क्या सीखने को मिलेगा पूरा करिकुलम आप देख सकते हैं और शुरुआत के कुछ डेमो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पे क्लिक करके। इस कोर्स में बताए गए सेम स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करके हमारी कम्युनिटी में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इंस्टाग्राम रीच को बहुत तेजी से ग्रो किया है और कुछ सैकड़ों से हजारों फॉलोअर्स तक पहुंच गए। फॉलोअर्स बढ़ने के बाद इन्हें ब्रांड डील्स भी मिली और अच्छा खासा पैसा भी कमाया। इन सबकी सक्सेस स्टोरीज भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू देख सकते हैं, तो जाके चेक जरूर करना है इस कोर्स को। और हाँ, शुरुआत के कुछ लोगों के लिए एक जबरदस्त डिस्काउंट है। परचेज करते टाइम पे एक कोड ASHU20 यूज कर लेना, फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। बस याद रहे ये कूपन लिमिटेड है और सिर्फ शुरुआत के कुछ लोगों को ही ये डिस्काउंट मिलने वाला है। सो क्लिक ऑन द टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक आउट द डेमो वीडियोस एंड आई विल सी यू इन द कोर्स ट्रेनिंग्स। नाउ आफ्टर यू आर डन विद दिस, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। मार्क जुकरबर्ग केविन को कॉल करते हैं और सीधे पॉइंट पे आते हैं कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीदना चाहता हूं। मार्क सीधे $1 बिलियन यानी कि लगभग 8000 करोड़ ऑफर करते हैं और कहते हैं कि फेसबुक अपने रिसोर्सेज की बदौलत इंस्टाग्राम को एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकता है। मार्क को यह भी पता था कि केविन अंदर से क्या चाहते हैं और इसलिए कहते हैं कि इंस्टाग्राम भले ही मैं खरीदना चाहता हूं, पर खरीदने के बाद भी इंस्टाग्राम इंडिपेंडेंट ही रहेगा और उसके बाद भी तुम बिना किसी इंटरफेरेंस के अपने हिसाब से इंस्टाग्राम को ऑपरेट कर सकते हो। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात थी और इंस्टाग्राम के एम्प्लॉयज भी थोड़े शॉक्ड थे कि केविन ने मार्क के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। केविन जानते थे कि फेसबुक के इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस से इंस्टाग्राम को बहुत फायदा मिलने वाला है और इंस्टाग्राम बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। केविन ये भी बखूबी समझते थे कि अगर उन्होंने मार्क को मना किया तो फेसबुक इंस्टाग्राम को पूरी तरह से बर्बाद करने तक की औकात भी रखता है। तो फेसबुक का एक्सपीरियंस भी मिल रहा था, इंटरफेरेंस भी नहीं हो रही थी, इट सीम लाइक अ विन-विन सिचुएशन एंड द एक्विजिशन हैपेंड इन 2012। उससे पहले कभी भी किसी ने भी $1 बिलियन में कोई मोबाइल ऐप नहीं खरीदी थी, वो भी तब जब वो ऐप सिर्फ 1.5 साल पुरानी हो और उसके पास कोई बिजनेस मॉडल भी ना हो। इंस्टाग्राम लिटरली उस वक्त 1 भी रुपया नहीं कमा रहा था और ऐसे में फेसबुक ने उसे 8000 करोड़ में खरीद लिया। बहुत लोगों ने मार्क को क्रिटिसाइज भी किया और कहा कि इसका दिमाग फिर गया और इससे बड़ी बेवकूफी तो कुछ हो ही नहीं सकती।
बट 2019 तक इंस्टाग्राम का रेवेन्यू $24 बिलियन पर ईयर यानी कि एक साल के अंदर 1,92,000 करोड़ का हो चुका था, जो कि फेसबुक के टोटल रेवेन्यू का लगभग 30% था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो फेसबुक का कॉम्पिटिशन बन सकता था उसे फेसबुक खरीद चुका था। इंस्टाग्राम वॉज नाउ ओन्ड बाई फेसबुक। ये सच में मार्क का एक बहुत ही शानदार मूव था, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस डील से काफी नाखुश थे। बहुत से यूजर्स ऐसे थे जो कि नहीं चाहते थे कि फेसबुक के पास और यूजर डेटा जाए, क्योंकि फेसबुक पहले भी उनके डेटा और सर्फिंग हैबिट्स को एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहा था। बिकॉज ऑफ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फेसबुक विद डेटा प्राइवेसी, दे कुड नॉट ट्रस्ट फेसबुक एनीमोर। आई कैन ट्रस्ट यू। कुछ लोग तो साफ कह रहे थे कि फेसबुक ने कह तो दिया कि इंस्टाग्राम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है, पर वो अपनी बात पे नहीं टिकने वाला, कुछ ही टाइम में रंग दिखने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट जब ये डील अनाउंस हुई तो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट ने भी सोचना समझना और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि कहीं इस डील के बाद सोशल मीडिया पे फेसबुक की मोनोपोली तो नहीं क्रिएट हो चुकी। उस वक्त तो किसी भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया और एक्विजिशन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई, पर कुछ सालों के बाद बड़े बड़े एनालिस्ट ने यह साफ कहा कि इस एक्विजिशन का होने देना गवर्नमेंट रेगुलेशन का इस पूरे दशक का सबसे बड़ा फेलियर था। यहां तक कि फेसबुक के को फाउंडर क्रिस ह्यूग्स भी ये कहते हैं कि ये डील नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मार्क की पावर और सोच बिल्कुल ही अलग है और वो कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर इंस्टाग्राम के एक्विजिशन के बाद उस ऐप के 13 लोगों की छोटी सी टीम के लिए फाइनली अब ये सेलिब्रेट करने का टाइम था। सेलिब्रेट करने के लिए केविन सबको लास वेगस ले गए, पर ये सेलिब्रेशन वाले मोमेंट्स ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, क्योंकि कुछ ही टाइम में एम्प्लॉयज को रियलाइज हुआ कि वो तो अभी भी वहीं पे थे, बस पहले इंस्टाग्राम से सैलरी आ रही थी, अब फेसबुक से आएगी, पर आएगी उतनी ही। असली पैसा तो बस को-फाउंडर्स केविन और माइक ने ही बनाया था। उनका गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ता गया जब वो ये देख रहे थे कि आए दिन केविन नई नई गाड़ियां, रोलेक्स की घड़ियां और भी बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें खरीद रहा है। ऑफिस में आए दिन नए नए पार्सल आ रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयज के लिए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर थे कि इंस्टाग्राम की सेल से केविन ने जबरदस्त पैसा बनाया और वो वहीं रह गए। केविन के लिए अभी तो और भी बहुत सारी मुसीबतें इंतजार कर रही थी। In the first big policy shift since Facebook bought Instagram, Instagram claims the right to sell users' photo without payment or notification and there is no way to opt out. ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स गूगल पे फ्लोट कर रहे थे जैसे ही इंस्टाग्राम ने एक्विजिशन के बाद पहली बार टर्म्स ऑफ सर्विस एंड पॉलिसीज में चेंजेस करे, और ये सब देखते ही हैशटैग डिलीट इंस्टाग्राम ट्रेंड होना शुरू हो चुका था। We need to have a serious discussion about the future of the company. इंस्टाग्राम को तुरंत अपने डिसीजंस में बदलाव करने पड़े और अब भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो इंस्टाग्राम फेस कर रहा था, जैसे कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन रहे थे, उन्हीं फेक अकाउंट्स के जरिए बुलिंग हो रही थी, काफी इल्लीगल कंटेंट भी पोस्ट किया जाता था, बहुत सारे स्कैम्स चल रहे थे और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो टेररिज्म की दुनिया में अपने गिरोह में लोगों को शामिल करने के लिए भी इंस्टाग्राम का यूज किया जा रहा था। अपने कंटेंट को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ यूनिक हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे टेररिज्म के लोग। बहुत सारे रिपोर्ट्स ने एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इंस्टाग्राम यूजेज के बीच एक क्लियर कोरिलेशन दिखाते हुए ये भी कहा कि इंस्टाग्राम का लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर हो रहा है। 2021 में वॉल स्ट्रीट जर्नल एक आर्टिकल में ये कहता है कि फेसबुक काफी सालों से ये जानता है कि इंस्टाग्राम टॉक्सिक है, पर ये बात उसने आज तक सबसे छुपा रखी है। एक स्टडी कहती है कि ब्रिटेन में सुसाइडल थॉट्स आने वाले 13% से ज्यादा टीनेजर्स ये कंफर्म करते हैं कि उन्हें ये थॉट्स इंस्टाग्राम से ही आने शुरू हुए। इंस्टाग्राम के कुछ शुरुआती एम्प्लॉइज भी अपने ही प्लेटफॉर्म का एक गलत कल्चर डेवलप होता हुआ देख बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे। उन्होंने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि बहुत सारे यूजर्स खुद को अच्छा दिखाने के लिए फोटोशॉप का यूज कर रहे थे, खुद के नेचुरल चेहरे से नाखुश लोग कभी लाइटरूम को यूज कर रहे थे तो कभी फेसट्यून को, कभी अपने दांतों के पीलेपन को एडजस्ट कर रहे थे तो कभी खुद को पतला दिखाने की कोशिश की जा रही थी। हर इंसान कहीं ना कहीं खुद को किसी ना किसी से कंपेयर कर रहा था और कंपेयर कर करके एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार बन रहा था। ये सेम चीजें लाइक्स और फॉलोअर्स के केस में भी चल रही थी। किसे फॉलो करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, लोगों को इससे फर्क पड़ना बंद हो गया था। बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग जिससे भी फॉलो बैक आ जाए उसको फॉलो करने के लिए तैयार थे। अब क्या कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, किससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस फॉलो करता। कितने लोगों ने तो फेक फॉलोअर्स खरीदने शुरू कर दिए जस्ट टू मेंटेन देयर सोशल स्टेटस। बहुत सारे बड़े लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स पे एड चला चला के अपनी प्रोफाइल की एंगेजमेंट को बूस्ट किया, जो कि कोई गलत बात नहीं है, पर ये बहुत सारे बाकी लोगों को ऐसा फील भी करवाता है कि वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, कूल नहीं है और उन्हें कभी कामयाबी नहीं मिल सकती और वो फेमस नहीं हो सकते, जबकि वो लोग कभी भी ये नहीं देख पा रहे थे कि बाकी लोग जिन्हें वो सक्सेसफुल कंसीडर कर रहे हैं वो एक्चुअली खुद को सक्सेसफुल दिखा कैसे रहे हैं। उनकी रिपोर्ट कहती है कि अपने दोस्तों को घूमते हुए, नाइट आउट करते हुए, मजे मारते हुए देख के यंगस्टर्स को बहुत बार ऐसा फील होता रहता है कि वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत बेकार है। खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव फीलिंग लेके आने का कारण बन चुका है इंस्टाग्राम। पर सच तो ये है कि इंस्टाग्राम पे कोई अपनी असल जिंदगी तो दिखाई नहीं रहा था, हर इंसान अपनी बेस्ट लाइफ ही पोस्ट कर रहा था वहां पे, पर ये बात आम लोगों के समझ से परे थी।
यहाँ तक कि लोगों ने इंस्टाग्राम फोटोज में अपनी जबरदस्त इमेज मेंटेन करने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे करने शुरू कर दिए थे जो नॉर्मल जिंदगी में शायद ही कोई करे। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने कहा कि नॉर्वे में एक ऐसा स्पॉट है जहाँ इंस्टाग्राम के लिए एक जबरदस्त पिक्चर खींची जा सकती है। एंड सिंपली बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट देयर वाज 8,000% इंक्रीमेंट इन टूरिज्म। वहां पिक्चर क्लिक करवाने के लिए लोग घंटों तक लाइन में लग के अपनी बारी आने का इंतजार करते थे। लोगों के लिए एक्सपीरियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी फोटोज बन चुकी थी। हम आज की दुनिया में भी इसका थोड़ा अंश तो देख ही सकते हैं। कुछ लोग तो बहुत सारी डेंजरस हरकतें भी कर बैठते थे, जैसे कि बिल्डिंग की साइड रेलिंग्स पे खड़े होकर पिक्चर्स लेना ताकि हम ज्यादा डेयरिंग दिखे, लोग अट्रैक्ट हो, हमारी प्रोफाइल और ज्यादा वायरल हो, हमारी पिक्चर और ज्यादा वायरल हो जाए। एक रिसर्च के अनुसार 2011 से 2017 के बीच में लगभग 259 डेथ हुए थे डेयरिंग सेल्फीज लेने का ट्राई करते हुए। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो कि किसी को भी अंदर तक झकझोर के रख दे, जैसे कि जब सिर्फ 14 साल की मॉली रसेल खुदकुशी कर लेती है जब इंस्टाग्राम बार बार उसे ऐसे ही पोस्ट रिकमेंड करता है जो कि सुसाइड मटेरियल और सेल्फ हार्म से रिलेटेड हो। काफी बाद उसकी फैमिली को पता चलता है कि उसे सेल्फ हार्म, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड पोस्ट सजेस्ट होते थे इंस्टाग्राम पे, तो उसके फादर ने कहा कि इंस्टाग्राम ने मेरी बेटी की जान ले ली। अब हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि इंस्टाग्राम एक फ्री टूल है और यहाँ कोई भी किसी को भी फोर्स नहीं करता इसे यूज करने को, या फिर क्या पोस्ट करना है, किसे फॉलो करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम ने कुछ स्टेप्स भी लिए इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि लोगों के प्रोफाइल पे लाइक काउंट को हाइड कर देना ताकि लोगों के दिमाग में कंपैरिजन इशू थोड़ा कम हो। पर 2018 तक एक आदमी इंस्टाग्राम की परेशानियां झेल झेल के बिल्कुल थक चुका था, और वो वही इंसान था जिसने इंस्टाग्राम को बनाया। इससे पहले कि हम इस वीडियो के अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़े, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू फॉर अ क्विक फेवर। इफ दिस वीडियो हैज जेन्युइनली एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ एंड यू रियली एंजॉयड द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ यू डिड नॉट लाइक इट, यू कैन ऑल्सो हिट द डिसलाइक बटन। इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई दिन और कई रातें भी लग जाती हैं। सो आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी खुशी होती है आपके सपोर्ट को देख के, कितना अच्छा फील होता है। सो इंस्टाग्राम का आपकी लाइफ में क्या क्या इंपैक्ट रहा है, कौन कौन सी बातों से आपने रिलेट किया, कमेंट करके अपने व्यूज इस टॉपिक पे जरूर शेयर करना ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए एंड एक दूसरे से ही काफी कुछ सीख भी पाए। इस चैनल पे इस तरह के एंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में अब बहुत जबरदस्त वीडियोज आने वाली है बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह के कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेन एवर न्यू वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सेटिंग्स में भी एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर all your notifications are turned on. I hope you have an amazing time ahead. Let's get back to the story of Instagram. Instagram के ज्यादातर यूजर्स को कोई आइडिया नहीं था कि Instagram का असली मालिक Facebook है। मैं नहीं मानता। क्योंकि शुरुआती कुछ सालों में Facebook अपनी बात पे टिका रहा और गेविन को Instagram अपने हिसाब से बिना किसी इंटरफेरेंस के ऑपरेट करने दिया। बस कुछ छोटे छोटे रिक्वेस्ट बीच बीच में करता रहा, जैसे कि वाइन हैशटैग की विजिबिलिटी थोड़ी कम कर दो, स्नैपचैट नेम्स या स्नैपचैट से रिलेटेड कोई भी चीज इंस्टाग्राम पे मत दिखाओ। फेसबुक अपने कॉम्पिटिटर्स को बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं देना चाहता था। इसके अलावा जब फेसबुक व्हाट्सएप को खरीदना चाहता था पर व्हाट्सएप के फाउंडर्स थोड़े रिलक्टेंट थे अपने डिसीजन को लेकर, तो मार्क ने केविन से यह भी कहा कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स के आगे मार्क की एक अच्छी इमेज क्रिएट करे और बताए कि फेसबुक सच में कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। और ये बात काफी हद तक सच भी थी। पर जैसे जैसे समय बीता, फेसबुक ने धीरे धीरे इंस्टाग्राम के प्रोसेस में घुसना शुरू किया, जिसकी वजह से कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, तनाव का माहौल भी क्रिएट हुआ। इन सब की शुरुआत हुई जब फेसबुक ने कहा कि इंस्टाग्राम को और ज्यादा पुश नोटिफिकेशंस और ईमेल्स भेजने चाहिए ताकि और ज्यादा एंगेजमेंट बढ़े। पर केविन ने इस पे ये कहते हुए साफ मना किया कि ये यूजर्स के लिए एक बहुत अनोइंग एक्सपीरियंस बन जाएगा। इसके बाद एक और तनाव का माहौल बना जब एडवर्टीजमेंट को लेके दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। जुकरबर्ग चाहते थे कि फेसबुक के एग्जिस्टिंग एड सिस्टम को ही इंस्टाग्राम के साथ इंटीग्रेट कर दें, और ये काफी सेंसिबल बात थी अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि फेसबुक के पास एक जबरदस्त और प्रॉफिटेबल एड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड था जिसे वो सालों से यूज कर रहा था, और ये इंस्टाग्राम के लिए शुरू करना भी बहुत आसान था और बहुत स्पीड से इंस्टेंटली इंस्टाग्राम के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस जनरेट कर सकता था। पर केविन को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ कहा कि ये इंस्टाग्राम की ब्रांडिंग और यूजर एक्सपीरियंस दोनों को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि एड्स को कभी भी प्रॉपरली एग्जामाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है और लोगों को काफी हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है क्लिक बेट्स यूज करके। केविन चाहते थे कि एक टाइम पे वो सिर्फ एक लिमिटेड एडवर्टाइजर्स के साथ ही काम करें और ऐसे कैंपेन्स बनाए जो कि स्पेशली इंस्टाग्राम के लिए बने हों।
था कि ऑडियंस के लिए जो सही हो। केविन चाहते थे कि वो एड्स लग्जरियस दिखे और इंस्टाग्राम के फील के साथ प्रीमियम लुक के साथ अलाइन रहे। कुछ वक्त तक केविन ने ये किया भी, उन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ शुरुआत में काम किया, सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े और ट्रस्टेड ब्रांड उन्हीं के एड्स को मैन्युअली अप्रूव किया। पर कुछ समय बाद जुकरबर्ग की एंट्री होती है और इंस्टाग्राम फेसबुक के एड सिस्टम को इंटीग्रेट कर लेता है। इसके बाद तो मानो एडवर्टाइजर्स की बाढ़ आ गई हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट के दरवाजे अब सबके लिए खुल चुके थे। ये केविन के लिए मानो एक रिमाइंडर था कि भले ही इंस्टाग्राम के सीईओ का टाइटल तुम्हारे पास है, पर यू आर नॉट द बॉस। सबसे बड़ी दिक्कत तब शुरू हुई जब जुकरबर्ग को ऐसा लगना शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम फेसबुक की ग्रोथ में हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। बात यह है कि भले ही इंस्टाग्राम को फेसबुक खरीद चुका था, पर आज भी मार्क जुकरबर्ग की पूरी फीलिंग्स, उनकी खुशी, उनका प्राइड तो फेसबुक के साथ ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि एक ब्रांड को बिल्ड करने का मतलब अपने बच्चे को पालने जैसा होता है। मार्क ये नोटिस करते हैं कि इंस्टाग्राम फेसबुक से बहुत सारे यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है। एक एक्स इंस्टाग्राम एम्प्लॉय तो ये भी कह देता है कि फेसबुक उस बड़ी बहन की तरह है जो अपनी छोटी बहन को पार्टी के लिए अच्छे से तैयार तो कर देती है, पर ये कभी नहीं चाहती कि छोटी बहन उससे भी ज्यादा अच्छी और सुंदर दिखे। फेसबुक के रिसोर्सेज की बदौलत ही इंस्टाग्राम बहुत रैपिडली पहले से भी ज्यादा तेज ग्रो कर रहा था और फेसबुक ऐप से सच में बहुत सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो रही थी। पर जुकरबर्ग को टेंशन होने लगी कि इंस्टाग्राम अब इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि इसकी चकाचौंध में फेसबुक, जो जुकरबर्ग की मेन ऐप है, वो कहीं खो ना जाए। अगर इंस्टाग्राम इसी तरह से ग्रो करता गया तो फेसबुक की सारी कामयाबी कुछ ही समय में खा जाएगा। बस इसी वजह से मार्क जुकरबर्ग सडनली कुछ चेंजेस अनाउंस कर देते हैं, जिससे केविन बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं। जैसे कि फेसबुक की ऐप से इंस्टाग्राम का नेविगेशन लिंक हटा देना एंड इंस्टाग्राम को बोलना कि वो अपनी ऐप में फेसबुक का नेविगेशन लिंक डाले। जुकरबर्ग ये भी कहते हैं कि इंस्टाग्राम अब अपनी टीम को सिर्फ 8% के हिसाब से ही ग्रो कर सकता है, जो कि जरूरत के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम था। अब तक केविन इतने इरिटेट और अनॉय हो चुके होते हैं कि उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज के आगे बोलना शुरू कर दिया कि वो जुकरबर्ग के डिसीजन से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, इसीलिए केविन कुछ वक्त के लिए बाहर वेकेशन पे चले जाते हैं। फिर वेकेशन को और एक्सटेंड कर देते हैं, फिर एक और बार एक्सटेंड कर देते हैं और फाइनली वापस आते ही अनाउंस कर देते हैं कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। एज अ को फाउंडर माइक भी रिजाइन कर देते हैं। Instagram's co-founders are leaving the Vince social Sistrom media was network. Not a brand. Instagram. He worked on marketing. इंस्टाग्राम के एम्प्लॉयज को लगता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने सपने में भी कभी इंस्टाग्राम को उनके दो क्रिएटर्स के बिना इमेजिन नहीं कर सकते थे। पर ये बात सच थी, वो जा रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद कुछ ही महीनों में इंस्टाग्राम को रीब्रांड किया जाता है एज इंस्टाग्राम बाई फेसबुक। इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजर्स की तादाद भी बढ़ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, पुश नोटिफिकेशन भी बढ़ गए, पर्सनल रिकमेंडेशन भी बहुत ज़्यादा आने लगी कि किसे आपको फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन दिखने लगे फेसबुक के साथ। ये सब वही सारी चीज़ें थी जो जुकरबर्ग इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही केविन गए, मार्क वॉज टोटली फ्री टू डू एज ही विश्ड। इंस्टाग्राम उसके बाद और ज्यादा बढ़ता ही चला गया, स्पेशली जब उसने स्नैपचैट की स्टोरी फीचर को कॉपी किया, जिससे यूजर्स को एक और अच्छा फायदा मिल गया, इम्परफेक्ट और रॉ कंटेंट भी पोस्ट कर पाने का, जो अपने आप 24 घंटे में रिमूव हो जाएगा। दुनिया में हर किसी की अपनी एक अलग सोच होगी इस बात पे कि इंस्टाग्राम दुनिया के लिए एक अच्छी चीज है या नहीं, पर एक बात तो तय है कि इसकी जबरदस्त बिजनेस सक्सेस स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। बर्बन नाम का एक कंफ्यूजिंग ऐप किस तरह से दुनिया के अरबों लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये बात अपने आप में एक क्लियर लेसन है कि अगर हम अपने कस्टमर की नीड को समझें और उस हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करें या फिर रीब्रांड करें, तो सक्सेसफुल होना बहुत आसान है। केविन का बर्बन को रीब्रांड करने का डिसीजन और एक ही चीज फोटो पे फोकस करने का डिसीजन इंस्टाग्राम की तेज सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वैसे अब केविन खुद इंस्टाग्राम को यूज नहीं करते और लास्ट पोस्ट किए हुए उन्हें लगभग 4 साल हो गए। शायद उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि कभी कभी बेस्ट मोमेंट्स वो होते हैं जहां हम सिर्फ फील करें और उस मोमेंट को बखूबी जी पाएं, और फोन या कैमरा कहाँ है ये ख्याल भी दिमाग में ना आए और ये रियलाइज हो कि हमें कभी किसी फिल्टर की जरूरत तो थी ही नहीं। वेट, बिफोर यू लीव आई जस्ट हैव समथिंग टू शेयर। What are some dark secrets about money जो हमेशा गरीब और मिडिल क्लास से छुपाए जाते हैं? स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन हमें कभी भी ये नहीं सिखाता। पर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, विराट कोहली सबकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? राइट वाली वीडियो देखोगे ना, समझ जाओगे।